वेलकम टू नेहास किचन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी स्नैक रेसिपी, ग्रिल्ड चिकन सैंडविच। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 4 ब्रेड स्लाइसेस, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून काली मिर्च क्रश्ड, साथ ही हमें चाहिए 2 टेबलस्पून ग्रेटेड गाजर, 2 टेबलस्पून चॉप्ड कैप्सिकम, 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 2 टेबलस्पून ग्रेटेड चेडर चीज, 3 से 4 टेबलस्पून मेयोनीज, 1 कटोरी श्रेडेड चिकन। यहाँ पर मैंने चिकन को अदरक लहसुन और नमक में बॉईल कर लिया है और उसे श्रेड करके रख लिया है। अब एक मिक्सिंग बोल में हम चिकन ऐड करेंगे, साथ ही डालेंगे नमक, काली मिर्च, ग्रेटेड कैरेट, ग्रेटेड कैप्सिकम, चिली सॉस, चेडर चीज और यहाँ पर हम डाल देंगे 3 से 4 टेबलस्पून मेयोनीज। यहाँ पर मैंने मेयोनीज ऐड कर दिया है। अब इन सारी चीजों को हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं मेरा मिक्सचर जो है बिल्कुल रेडी है। अब ब्रेड पर हमें इस मिक्सचर को स्प्रेड कर लेना है। हम मिक्सचर को चारों तरफ से इवनली अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। इस पर एक और स्लाइस ब्रेड रखना है और ऊपर से हमें बटर लगाना है। आप बटर या घी दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। बटर या घी हम दोनों साइड्स पे लगा देंगे ताकि हमारा जो सैंडविच है वो बहुत अच्छी तरीके से टोस्ट हो जाए और क्रिस्पी रहे। अब हम एक ग्रिल टोस्टर लेंगे, उस पर सैंडविच रखेंगे और इसे गैस पर दोनों तरफ से अच्छे से टोस्ट कर लेंगे। आप पैन या तवे पर भी सैंडविच को टोस्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरा ग्रिल चिकन सैंडविच बनकर बिल्कुल तैयार है। ये बहुत ही आसान और टेस्टी रेसिपी है, बहुत ही बढ़िया स्नैक रेसिपी है। आप इसे बच्चों को टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हैं। केचप के साथ इसे सर्व करें। मेरी ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें आपको ये कैसी लगी। मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।